मोशनल ईएमएफ के इस एग्जांपल में आपको ना ये क्यूब गिवन है, ये दो फिगर्स गिवन है, इसको ध्यान से देखो। इस फिगर में वो कह रहा है कि ये ना रॉड्स हैं सारी, जो ये क्यूब की साइड्स हैं वो रॉड हैं, हर की लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है और आप इस पूरे अरेंजमेंट को वी के साथ खींच रहे हो। पहले फर्स्ट फिगर है, हर रॉड में कितनी मोशनल ईएमएफ है ये बताओ, फॉर्मूला क्या लगेगा, बीएलवी। तो शुरू करें, सबसे पहले मैंने ये रॉड ली, इस रॉड की लेंथ कहाँ है, राइट, वेलोसिटी भी कहाँ है, राइट, तो देखने की जरूरत नहीं है, दोनों क्या होने चाहिए 90 डिग्री पे, ये है नहीं तो मोशनल ईएमएफ क्या होगी, जीरो। चलो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, ये ले लेते हैं, इसके साथ भी सेम स्टोरी है, लेंथ कहाँ है, राइट, वेलोसिटी भी कहाँ है, राइट, जीरो 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 जीरो, तो सब राइट 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 है। फिर मैंने चेंज किया, मैंने कहा चलो ये लेंथ लेते हैं, अब ये लेंथ और वेलोसिटी में एंगल क्या है, 90, तो मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए, बट बी को भी तो 90 होना है, अब यहां पर वेलोसिटी और बी भी सेम डायरेक्शन में है, तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगी क्योंकि इनको भी 90 पे होना था, तो इसमें भी जनरेट नहीं हो पाई। हालांकि लेंथ और वेलोसिटी में तो एंगल 90 बन गया था, पर बी ने एंगल 90 नहीं बनाया, तो मैंने ये ले ली, इसका भी सेम स्टोरी है, लेंथ और वी में एंगल 90, बी ने नहीं बनाया, बी और वी सेम डायरेक्शन। तो आप कोई भी रॉड ले लो, इसमें तो हर हालत में सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप कोई भी केस लेंगे, आप चेक कर लें, वेलोसिटी और बी ने तो सारी रॉड्स में एंगल क्या बना रखा है, जीरो, तो तुम्हें कोई भी रॉड लेने की जरूरत नहीं है, सब में आंसर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी और बी में एंगल 90 बना ही नहीं किसी भी केस में, तुम लेंथ में बनाते रहो पर वेलोसिटी में तो बना, बी में तो बना नहीं, तो सभी रॉड्स में ईएमएफ क्या आएगी, जीरो। तो पहला केस क्लियर है। दूसरा केस, इस केस में चलो ये रॉड लेते हैं, इस रॉड की लेंथ राइट है पर बी भी राइट है, चलो ये तो जनरेट नहीं करेगी क्योंकि वेलोसिटी के साथ तो एंगल 90 बन गया पर लेंथ में और बी में एंगल जीरो है, तो ये जनरेट नहीं करेगी ईएमएफ। फिर ऐसी ये भी जनरेट नहीं करेगी, ऐसी ये भी जनरेट नहीं करेगी, ऐसी ये भी जनरेट नहीं करेगी, क्योंकि सारे के सारे बी के साथ एंगल जीरो बना रहे हैं, खत्म कर दो। फिर ये लेते हैं, चलो ये लेते हैं, ये रॉड और बी का एंगल क्या है, 90, पर एक प्रॉब्लम है, इसका और वेलोसिटी का एंगल क्या हो गया, जीरो, अब ये भी जनरेट नहीं करेगी, फिर ये भी जनरेट नहीं करेगी, फिर ये भी नहीं करेगी और ये भी नहीं करेगी, क्योंकि सारे के सारे वेलोसिटी के साथ चल पड़े। लास्ट है ये लेते हैं, ये अब ये बोर्ड के अंदर है, इसने वेलोसिटी के साथ एंगल बनाया 90 और बी के साथ भी एंगल क्या बनाया, 90, ये जनरेट करेगी, ये जनरेट करेगी क्योंकि इसका और इसका एंगल 90, इसका और इसका एंगल भी 90, क्योंकि वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो ये करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी और ये भी करेगी, चार करेंगी, चार नहीं करेंगी, बाकी नहीं करेंगी। तो समझ में आ रहा है कि कैसे आपने देखना है, एंगल बी एल वी में हमेशा क्या बनना चाहिए, 90। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से मोशनल ईएमएफ की कैलकुलेशन होगी। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, एनसीईआरटी का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है ये, ऐसा बहुत पूछते हैं वो, सिंपल है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं ना, दो दो नंबर वाले, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं। कैसे? वो कह रहा है एक ना रॉड है पी क्यू, इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे लगी हुई है रेजिस्टेंस 5 ओम, तुमने इस रॉड को खींचा 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी ये बताओ। और साथ में बताओ कि अगर रॉड मूव टू द लेफ्ट विद सेम स्पीड, मैं राइट की बजाय लेफ्ट मूव करवाऊँ तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। रूल नंबर वन, जब ये रॉड यहाँ मूव करेगी इसमें ईएमएफ कितनी जनरेट होगी, बी एल वी, क्योंकि वी एल और बी आपस में 90 पे हैं, तो मोशनल ईएमएफ बी एल वी। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 5, तो इसमें करंट कितना पैदा होगा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो ई बाय आर करके करंट भी आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? मैग्नीट्यूड आ गया। करंट की डायरेक्शन बताने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, कहाँ लगाऊँ, रेजिस्टेंस पे कि रॉड पे, करंट तो यहाँ निकाल लें, मूव तो रॉड कर रही है ना, पैदा तो पहले वही करेगी, तो रॉड पे लगेगा। बी बोर्ड के अंदर, थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, रॉड राइट जा रही है, बी अंदर है, तो करंट कैसे होगा, ऊपर, बी थंब ऊपर, तो करंट इसमें ऊपर जनरेट होगा, ऊपर से होता हुआ इधर जाएगा, इधर से होता हुआ नीचे आएगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें नीचे है। लेकिन अगर आपने कंडक्टर को लेफ्ट मूव करवाया तो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, नीचे की बजाय क्या हो जाएगा, ऊपर। आंसर समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेटेलिक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, इज रोटेटेड एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। एक रॉड को आपने ओमेगा के साथ घुमाया, आपको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, रॉड को घुमा के मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में, हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, मैंने हैंड रिटन शीट में किया हुआ है, तो वहीं से इसका प्रूफ है। वो ये पूछ रहा है कि अगर ये ईएमएफ है तो बोलो इसमें करंट कितना पैदा होगा रॉड में, करंट क्या होगा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, इसको आर से डिवाइड कर दो। फिर वो ये पूछ रहा है जब करंट पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगी, तो पावर डिसिपेटेड कितनी होगी हीट की फॉर्म में, तो या तो लगाओ आई स्क्वायर आर टी या लगाओ ई स्क्वायर बाय आर इंटू टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास है, ई स्क्वायर बाय आर इंटू टी से आंसर आएगा। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है अगर आपके पेपर में आया, तो पहले आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे, फिर आप करंट निकालेंगे, फिर आप आई स्क्वायर आर टी या ई स्क्वायर बाय आर इंटू टी से पावर डिसिपेटेड निकालेंगे। तो मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका।